नमस्कार, आज हम शुरू करने वाले हैं पीजीटी बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा हर बार प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। तो आज हम इन क्वेश्चनों को करने का टारगेट बनाते हैं। आज हम मैक्सिमम 200 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जो और ये क्वेश्चन भी हमारे जो होंगे टॉपिक वाइज होंगे। जैसे कि पहला टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे हम टैक्सोनॉमी के करेंगे। उसके बाद ही हम अपना अगला टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। जितने भी हम टॉपिक करेंगे सभी टॉपिकों के हम मैक्सिमम जितने ज़्यादा हो सके उतने हम इनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पांच जगत जो विभाजन है, आप सभी जानते हैं कि आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने प्रोटोजोआ जैसे एग्जांपल हो गए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हमें किस में रखा, जिन्हें हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं, तो उन्हें मैक्सिमम किस में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया, किस किंगडम में रखा गया। तो वो इसका हम जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा पहला ए, प्रोटिस्टा। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा आप सभी जानते हैं, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, और जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम हमेशा पढ़ते हैं पीपीएलओ, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा है क्या? तो अब मैं आपको बता चुकी कि माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो इसे किस किंगडम में रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं जितने भी हमारे प्रोकैरियोट हैं, और प्रोकैरियोट में मेनली क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो उन्हें किस में रखा गया है, उन्हें रखा गया है किंगडम मोनेरा में। तो इसका भी राइट आंसर हो गया हमारा ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जिनका माउथ जो है ब्लास्टोपोर के अपोजिट डेवलप होता है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरोस्टोमिया। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा, सॉरी एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी, ड्यूटेरोसोमिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज डिस्कवर्ड बाय। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, वो दोनों एक ही हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया? लीनियस। लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, और लीनियस द्वारा ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट भी दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बीवोर्स सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर्स। आप सभी जानते हैं कि मैमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे मेमरी ग्लैंड होना, हेयर्स होना। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि एक्वेटिक मैमल्स भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वेटिक में भी इनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो फूड लेते हैं, ये हर्बीवोर हो सकते हैं, ये कार्निवोर हो सकते हैं, ये ओमनिवोर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, हर्बीवोरस सी मैमल्स ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर है हमारा सिरेनिया। तो इसका थर्ड हमारा सही है, इसका आंसर है सिरेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो बायोलॉजी का टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया? आपको पता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी और जो टर्म बायोलॉजी दिया गया है, इन दोनों के जो साइंटिस्ट रहे हैं दोनों अलग अलग हैं। तो हम कभी बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये बायोलॉजी टर्म जिन्होंने दिया है वही फादर ऑफ बायोलॉजी होंगे, तो ऐसा नहीं है। फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे एरिस्टोटल, पर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द टर्म बायोलॉजी वॉज, जो बायोलॉजी टर्म था वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हमारा बी है। आप कभी कभी देखेंगे कि इसी के साथ लैमार्क और ट्रेविनस भी दिया जाता है, तो जहाँ पर अगर नेक्स्ट टाइम कहीं पर ट्रेविन दिया हो तो आप इसे समझ जाइएगा कि जो टर्म बायोलॉजी दिया था वो दो साइंटिस्ट ने दिया था, वो है हमारे लेमार्क और ट्रेविनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर।
जीनस फैमिली स्पीसीज ऑर्डर वेराइटी दियर करेक्ट सिक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट इज। तो हमें इसमें क्या करना है, आप सभी जानते हैं जो हमारी हायरार्की दी गई है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, उसमें हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनके करेक्टरिस्टिक फीचर के अकॉर्डिंग इनको करेक्टराइज किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि हम सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उसे हम किंगडम बोलते हैं, और सबसे जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की ओर आते रहेंगे तो हमें सबसे जो लास्ट में मिलती है वो स्पीसीज मिलती है। ये तो हमारी मेन हायरार्की है, इसके साथ हम सब स्पीसीज और सब जीनस ये सब लगा लेते हैं। तो इसमें अभी हमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लगाना है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, तो हम किंगडम की ओर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम आता है, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो इसमें आप देखिए हमें जब लगाना है तो हमें फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में हमारा किंगडम तो दिया नहीं है, क्लास भी दी नहीं है, क्लास के बाद हमारा फाइलम दिया नहीं है, फाइलम के बाद हमारी क्लास आती है, क्लास भी दी नहीं है, तो उसके बाद हमें ऑर्डर दिया है। ठीक हो गया, ऑर्डर दे। अब हमें लगाना कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट से लगाना, तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे नीचे की ओर हमारा स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद हमारा जीनस है, जीनस के बाद हमारा फैमिली आते हैं, फैमिली से ऊपर हमारी ऑर्डर है, ऑर्डर से भी ऊपर हमारी वैरायटी। यहाँ पे फाइलम ना देकर क्या दिया है, वैरायटी दी गई है। तो इसका सीक्वेंस हमारा किस प्रकार बन रहा है, इसका सीक्वेंस हमारा बन रहा है सबसे पहले स्पीसीज थर्ड, फिर हमारा फर्स्ट जीनस, फिर हमारी सेकंड फैमिली, फिर हमारा फोर्थ ऑर्डर, और लास्ट में हमारी वैरायटी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया है ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग टू सब क्लास। तो आपको मैंने अभी बताया था जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, जैसे क्लास है, क्लास में भी हम सब क्लास, सुपर क्लास, क्लास से बड़ी, मीडियम, छोटी, तो इस क्लास से हम कैटेगराइज और कर लेते हैं क्लास को ही। तो इसमें पूछा गया है प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग टू सब क्लास, तो किस क्लास से ये हमारी बिलोंग करती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमारे फाइटोमेस्टिगोफोरिया, जूमेस्टिगोफोरिया, नेक्स्ट है हमारा डेमोस्पोंजियल्स, और लास्ट है हमारा कैराटोस। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा जूमेस्टिगोफोरिया। तो प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग टू, इसका राइट आंसर हमारा हो गया है बी, जूमेस्टिगोफोरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हर बार कई ईयर में ये हमारे जो पीजीटी बायोलॉजी का पेपर होता है, टीजीटी का होता है, उनमें से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस फॉर द फॉसिल एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वॉज। तो इसका क्या आंसर है, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस, एनिमल साइंस के इतिहास में वो पर्सन जिन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के, इवोल्यूशन के लिए हमारा जो एविडेंस के फॉर्म में फॉसिल की इम्पोर्टेंस क्या है, फॉसिल की इम्पोर्टेंस क्या है इवोल्यूशन के एविडेंस के फॉर्म में। तो ये फर्स्ट टाइम जिन्होंने दे दिया कहा गया था वो है हमारा ग्रोगेस क्यूवियर, वो हमारा ग्रोगेस क्यूवियर जिन्होंने 1769 से 1832 इनका जो टाइम पीरियड दिया गया है ये दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया है हमारा बी। इसके अलावा हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं लियोनार्डो डी विंची, डार्विन और लेमार्क, ये नाम से भी आप सभी परिचित होंगे। तो इसमें ये पूछा गया है कि जिन्होंने क्या किया था, हमारे जो फॉसिल्स हैं वो फॉसिल्स हमें एविडेंस देते हैं, हमें सबूत देते हैं किसके लिए, इवोल्यूशन का सबूत देते हैं कि इससे सबसे पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे पहले अर्थ फॉर्मेशन में सबसे पहले कौन दुनिया में आए थे, उसके बाद कौन आए थे, इसका क्या प्रूफ है। ये एविडेंस जो इवोल्यूशन का फॉसिल्स जो है इसी के अकॉर्डिंग हम जज कर पाते हैं कि ये इतने साल पुराना है, ये इतने साल पुराना है, तो ये पहले आया होगा, ये बाद में आया होगा। तो इसके इसकी जो हमें फर्स्ट टाइम्स जो इसको पहचाना था, इसकी इम्पोर्टेंस को, वो किसने पहचाना था, ग्रोगेस क्यूवियर से इन 1769 टू 1832।
अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास. हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि ये कौन कौन से जो एनिमल्स जो हमारे एग्जांपल दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सेम क्लास से बिलोंग करते हैं. तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका डॉग फिश, सिल्वर फिश, कैरी फिश, फ्लैटिस. सेकंड है ग्लो वॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फेंसिलोयंस और डी हमारा सेंटीपीडी, अर्थवॉर्म, कैटरपिलर, सिपवॉर्म. तो हमें इनकी क्लास के कि ये कौन से एनिमल सेम क्लास से बिलोंग करते हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, जिसका जो हमें दिया गया है ग्लो वॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई और बर्ड बग. जो ये चारों हैं, ये हाउस फ्लाई, बर्ड बग, ये हमारे जो हैं सेम क्लास से जो बिलोंग करते हैं. और जो इनकी क्लास है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो इनकी क्लास है वो क्लास है इनकी इंसेक्टा. ये सभी किससे बिलोंग करते हैं? इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करते हैं. तो ग्लो वॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई और बर्ड बग. तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीजिया बिलोंग टू द क्लास. तो इसमें ए साइलेंट है तो इसे हम प्लीजिया पढ़ेंगे. प्लीजिया बिलोंग टू द क्लास. तो प्लीजिया किस क्लास से बिलोंग करती है? एम्फीन्यूएरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेलिनिया, बाइवेल्विया और चौथा है हमारा सिफेलोपोडा. तो इसका जो प्लीजिया है जो हमारी बिलोंग करती है वो गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करती है. तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया बी, गैस्ट्रोपोडा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोविंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. तो इसमें से कौन सा है जो लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुए हैं? पोरीफेरा, एनेलिडा, मोलिस्का, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, सभी जो हैं लैटिन वर्ड से ये ड्राइव हुए हैं. नेक्स्ट देखिए, लीनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन. जो लीनियस द्वारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो इन्होंने अपनी इनकी जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर थी ये पब्लिश्ड हुई थी. तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था. तो वो बुक कौन सी थी? वो बुक थी आपकी स्पीसीज प्लांटेरम. तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी, स्पीसीज प्लांटेरम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन. जो इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश दी गई थी, जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1859. जो हुई थी ये 1859 में पब्लिश हुई थी. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री इज. जो फर्स्ट फाइलम कौन सा है जो बायलैटरल सिमेट्री को शो करता है, तो वो किंगडम कौन सा है? वो किंगडम स्टार्ट है हमारा प्लेटी हेलमेंथिस. तो इसका राइट आंसर है आपका डी. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाई. द वर्ड, जो वर्ड स्पीसीज है, स्पीसीज वर्ड को किसने कॉइन किया था? जो स्पीसीज वर्ड है वो हमारा कॉइन किया था जॉन रे ने. तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज सॉलिड रूफ. तो जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में हमारे जो सब क्लास रेप्टाइल्स हैं, हमारे चार, इसमें हमारे चार जो हमारे कॉर्डेट्स हैं उनमें चार क्लास है, हमारी पांच क्लासें आती हैं, जैसे कि हमारे पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स. तो ये इनकी सब क्लास है. जो रेप्टाइल्स में ये पूछ रहा है कि जो हमारा सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज सॉलिड रूफ, तो किसके पास सॉलिड रूफ होता है? जो इसकी सब क्लास, यहाँ पे जो हमारा क्लास रेप्टाइल्स दिया गया है, इसकी जो
सब क्लासें हैं, जैसे एनाप्सिडा, डाइप्सिडा, सिनेप्सिडा और पैरप्सिडा। तो किस में स्कल हैज सॉलिड रूफ होता है, तो वो होता है हमारा एनाप्सिडा में। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए, एनाप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो किया जाता है, ये किसका फीचर है? तो ये इसका राइट आंसर है हमारा यूरोकॉर्डेटा। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए, यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विच इज ट्रू, पाइसिस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पॉलिक्लोथ्रम्स, पाइसिस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एनामिनियोटा, और एवीस मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमोथम्स, और लास्ट ऑप्शन है रेप्टाइल्स एवीस एंड मैमल्स आर एमनियोटा। तो ये जो बताया गया है, ये जो पूछा बताया गया है, ये बताया गया है इनके प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन सा ट्रू है? तो इसका राइट आंसर हमारा है डी, रेप्टाइल्स एवीस एंड मैमल्स आर एमनियोटा। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिपेटस बिलोंग टू क्लास, पेरिपेटस किस क्लास से बिलोंग करता है? तो पेरिपेटस बिलोंग करता है ओइनिकोफोरा क्लास से। तो ओइनिकोफोरा इसका राइट आंसर है, तो ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म इज, जो सबसे छोटा टेप वॉर्म है वो है हमारा इकाइनोकोकस। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल, इनमें से कौन सा कोरल नहीं है? एक हमारा पेन्यूटेला दिया है, ट्यूबीपोरा, ओकिलिना और साइनिया। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी। बाकी इसके अलावा जो हमारे अदर ऑप्शन दिए गए हैं सारे सही है, सभी क्या कहें कोरल्स हैं, पेन्यूटेला, ट्यूबीपोरा और ओक्यूलिना। जो साइनिया है ये क्या है, हमारे कोरल में नहीं आता है। तो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लास बाई वेल्विया इज आल्सो कॉल्ड, क्लास बाई वेल्विया को और किस नाम से हम जानते हैं? तो इसका राइट आंसर में पहली साइपोडा। तो इसका सी आंसर सही है, पहली साइपोडा। क्लास बाई वेल्विया इज आल्सो कॉल्ड पहली साइपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, जो एमनियोट होते हैं वो उनमें क्या नहीं होता? जो एमनियोट्स हैं, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जितने भी आपको चार हमारे क्लास दिए गए हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, तो कौन एमनियोट नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, जो एम्फीबियंस होते हैं वो एमनियोट नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, लिम्बलेस एम्फीबियंस को किस ऑर्डर में रखा गया है? उसे रखा गया हमारा जिम्नोफियोना में। जो लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं उन्हें रखा गया है जिम्नोफियोना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया सी। इसके अलावा हमारा एन्यूरा, यूरोडिला और जो लास्ट तो हमारा नर्व डीज है, तो ये दोनों जो होते हैं ये लिम्ब वाले एम्फीबियंस होते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं, उन्हें किस में रखा गया है? जिम्नोफियोना में रखा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड, तो अभी हम ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, आप देख चुके रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, हम पहले भी इस क्वेश्चन को, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो एमनियोटा होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर एमनियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन दी एनिमल्स ऑफ,
तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो आर्किनिडा, सिस्टोडा, टर्मेटोडा और नीमेटोडा। तो एलिमेंट्री कैनाल किस में अब्सेंट होती है, किस क्लास में अब्सेंट होती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सिस्टोडा में जो होते हैं। ऐसे एनिमल्स के पास क्या नहीं होती, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। तो ऐसे एनिमल्स को किस में रखा गया, हमारे सिस्टोडा क्लास में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वो यूनिसेलुलर है, वो प्रोकैरियोटिक है। इसके अकॉर्डिंग उन्हें किस में रख दिया गया है, मुनेरा में रखा गया। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, केवल बैक्टीरिया ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें मोनेरा में रखा गया है। कहने का मतलब है कि मोनेरा जो किंगडम है इसमें केवल बैक्टीरिया आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो गया हमारा वो हो गया, इसका राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट देखिए, हॉर्न टोड बिलोंग टू दी क्लास, हॉर्न टोड जो है सींग वाला जो मेंढक है, टोड मेंढक से बिलोंग करता है, एम्फीबियन से बिलोंग करता है। तो हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, तो इनको किस क्लास में रखा गया, हॉर्न टोड ये जो एक निक नेम कह सकते हैं या कॉमन नेम कह सकते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म को हॉर्न टोड कहा जाता होगा उन्हें किस क्लास में रखा गया है? तो उन्हें रखा गया आपका बी, रेप्टाइल्स में। तो ये रेप्टाइल्स में, हॉर्न टोड किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में। पर ये देखो, हमें वैसा सोचने में ऐसा लग रहा है कि हॉर्न टोड वो होंगे टोड, क्योंकि हम जनरली जितने भी फ्रॉग ये एम्फीबियंस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं टोड भी कहा जाता है, तो ये हॉर्न टोड पूछा गया है। तो हॉर्न टोड जो बिलोंग करते हैं वो किस क्लास से करते हैं, रेप्टेलिया से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो किस बेस पे दिया था, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल करेक्टर्स, इवोल्यूशनरी ट्रेंड, फ्लोरल करेक्टर, नन ऑफ दीज। तो उनका जो लीनियस का जो सिस्टम था, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लीनियस ने दिया था वो किस बेस पे दिया था, फ्लोरल करेक्टर के बेस पे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट देखिए, विच इज अब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या अब्सेंट होता है, पॉलीसेक्राइड, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपिड्स एंड डी है इसका लास्ट ऑप्शन है, प्रोटीन। तो आप सभी जानते हैं जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे स्ट्रीम ऐसे कंडीशन में रहते हैं, मतलब ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में जैसे हॉट स्प्रिंग एरियाज़ में, वॉलकैनो एरियाज़ में, आइस में। तो इनकी जो इनकी सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, इसी कारण ये आपका ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। तो किस क्या अब्सेंट होता है उन बैक्टीरिया के पास, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके पॉलीसेक्राइड होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, पर पेप्टिडोग्लाइकन से बनी सेल वॉल नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग दी ऑर्डर्स। कारपेंटर आंट्स जो होती है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं? तो ऑप्शन दिए हैं, न्यूरो पेट्रियन, लेपिडोपेटेरा, प्लेकोपेटेरा और हाइमिनोपेटेरा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी। जो हमारी कारपेंटर आंट होती है तो वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, हाइमिनो पटेरा। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो हमें इसको डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो हमें इसे सीक्वेंस लगाना है। तो जैसे अभी हम सभी समझ चुके हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा इसमें हमें सबसे बड़ा वैसे किंगडम होता है तो किंगडम दिया नहीं गया है। तो उसके बाद डिवीजन, डिवीजन जनरली हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के इस केस में हम फाइलम यूज़ करते हैं। तो हमें फाइलम तो कहीं दिख नहीं रहा, तो डिवीजन से स्टार्ट कर लेते हैं। डिवीजन के बाद हमारी क्लास आती है, क्लास के बाद हमारा ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद यहाँ पे हमें जो थर्ड ऑप्शन में देखिए, फैमिली के बाद इसमें ट्राइब दिया गया है, ठीक हो गया। ट्राइब के बाद हमारा जीनस, तो ये इसमें ट्राइब समुदाय। आप सभी जानते हैं कि कैटेगरी हम ऑर्गेनिज्म को कई करेक्टर्स के बेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें फैमिली के बाद जीनस से पहले हमें ट्राइब दिया है,
ठीक है। तो इसके बाद ट्राइब के बाद जीनस आएगा, जीनस के बाद हमारा स्पीसी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि जीनस से बड़ा क्या है, हमारा ट्राइब है, पर वो फैमिली से छोटा है। नहीं तो हम क्या पढ़ते हैं, जीनस के बाद से ऊपर हम फैमिली पढ़ते हैं। तो ट्राइब आ गया है, ट्राइब या जीनस के बाद, तो हमें स्पीसीज दिया नहीं है, पर इसका राइट आंसर हमारा हो गया है सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स डेपिक्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें जो पूछा गया है, प्रोटोजोन्स कौन सा प्रोटोजोन्स है जो क्या करता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों के करेक्टर को शो करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा वॉल्वॉक्स। आपने एल्गी में भी वॉल्वॉक्स पढ़ा होगा कि जो वॉल्वॉक्स होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो हम इसको एल्गी में भी पढ़ते हैं, तो उसके फीचर क्या है, एल्गी से भी बिलोंग करते हैं, पर इसके फीचर क्या है, ऐसे फीचर भी हैं जो इसे एनिमल्स की कैटेगरी में भी रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये ऐसा एनिमल है जिसमें क्या है, आपके प्लांट के करेक्टरिस्टिक फीचर भी हैं और एनिमल्स के। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, वॉल्वॉक्स। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटूरोसोम्स। डिटूरोसोम्स कौन नहीं है, निम्न में से कौन डिटूरोसोम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारा स्नेल। स्नेल जो है हमारा डिटूरोसोम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो पहला जो है डॉक्टर के एन बेहल ने इसको डिस्कवर किया है, फेरिटीमा जो है डॉक्टर एस एम दास ने, हर्डेमानिया जो है डॉक्टर बैनी प्रसाद, पैल्यूमोन जो है डॉक्टर एम एस मानी, हाई एल्टीट्यूड डॉक्टर एस एस पटवर्धन एंटोमोलॉजी। जो इसमें जो लिस्ट हमें करेक्ट मैच करना है कि कौन कौन किससे रिलेटेड है। तो इसका जो हमारा, इसमें हमें कोड दिए गए हैं कि पहले का 5, 4th, ए का 5th है, बी का 4 है, सी का 3 है, डी का 2 है, इसका 1 है। तो इस हिसाब से हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमारे इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा सी, जिसका जो हम मैच करके देख लेते हैं। पहले ए का है तीसरा, पाइला जो है डॉक्टर बेनी प्रसाद द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और हमारा जो बी है, बी का आंसर है हमारा ए, डॉक्टर के एन बेल द्वारा पेरिटीमा। फिर है हमारा हर्डेमानिया जो हमारा सी है, सी का हमारा सेकंड ऑप्शन है। सेकंड हमारा डॉक्टर एस एम दास। फिर हमारा डी, डी का हमारा 5th ऑप्शन है, 5th में हमारा दिया है डॉक्टर एस एस पटवर्धन एंटोमोलॉजी। और लास्ट हमारा जो हमारा ई बचा है इसका है 4th, डॉक्टर एम एस मानी। तो इसका हमारा जो मैच, इसका फ्लोइंग है ये किससे रिलेटेड है, कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटूरोसोम एंड प्रोटोसोम एनिमल्स डिफर इन। डिटूरोसोम एंड प्रोटोसोम एनिमल्स अलग होते हैं, तो एक दूसरे से क्यों अलग है, उनकी सिमेट्री अलग है, अपनी सिमेट्री के कारण, द एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन ऑफ देयर माउथ, द प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो वो डिटूरोसोम जो है प्रोटोसोम एनिमल्स, डिटूरोसोम एनिमल्स और प्रोटोसोम एनिमल्स क्यों डिफर होते हैं, किसके कारण, टू दी एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन ऑफ देयर माउथ। जो उनके माउथ का ओरिजिन है दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है, किसका, डिटूरोसोम और प्रोटोसोम एनिमल्स का। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय। जो रॉक जियोलॉजिकल एज जो होती है किसी भी फॉसिल्स की, या इसमें रॉक पूछा गया है, को किससे डिटरमाइन की जाती है, द फॉसिल फ्लोरा एंड फोना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, रेडियोमेट्रिक डेटिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। तो जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कंसिडर द फॉलोइंग एंड आंसर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, विद प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड, प्रोटिस्टा। तो इसमें बताया गया है कि हमें बताना है प्रोटिस्टा में कौन कौन से, इसमें जो करैक्टरिस्टिक फीचर दिए हैं कौन कौन से मैच करते हैं। जो आपको पता है प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर तो नहीं होते, एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर जनरली अगर हम करैक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो प्रोटिस्ट में जो आते हैं किंगडम में वो मेनली यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर को अभी हम काउंट नहीं करेंगे। प्रोकैरियोट नहीं होते क्योंकि प्रोकैरियोट केवल मोनेरा होता है। यूकैरियोट होते हैं, विद प्लास्टिड भी होता है, प्लास्टिड हो सकता है जैसे यूग्लिना, और विदाउट प्लास्टिड, और ये भी होते हैं। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स दिया गया है। बी में सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ दिया गया है। थर्ड में सेकंड एंड थर्ड दिया गया है। फोर्थ में वन और फोर्थ दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा, इसमें राइट आंसर सेकंड मल्टीसेलुलर, फोर्थ यूकैरियोटिक, फाइव विद प्लास्टिड। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्रोटिस्टा मल्टीसेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर ही होते हैं प्रोटिस्टा का, यही उनका फीचर है। अगर आप इसको कंफर्म करने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ, आप 11th की बुक देख लीजिए। 11th की बुक में आप फीचर पढ़ लिया, आर एच विटेकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है, जो ये होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और परंतु ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका पहला होता है, फोर्थ होता है, तो इसका डी राइट आंसर होना चाहिए। तो ये डाउटफुल है तो इसमें मैं अभी कोई आंसर नहीं देना चाहूँगी क्योंकि बी इसी के अकॉर्डिंग देने पर थोड़ा गलत हो सकता है। आपको भी अगर कहीं इसका आंसर मिले तो आप बता सकते हैं। और वैसे अगर ऑप्शन में अगर ये ज़्यादा ऑप्शन बेहतर ऑप्शन होता, अगर ऑप्शन ये दिया होता वन फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्योंकि आप जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें जो प्लास्टिड तो होता ही है किसी किसी में, जैसे यूग्लिना का, मैं यूग्लिनॉइड जो इनकी क्लास है इसमें आप देख लीजिए यूग्लिना आता है, तो उसमें प्लास्टिड होता है क्योंकि फोटोसिंथेटिक वो करने को मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, पर प्लास्टिड है तो इसीलिए क्लोरोफिल होता है, हरा होता है। इसके अलावा अमीबा हो गया, ये हमारे कैसे होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले, तो प्लास्टिड में नहीं होता, तो विदाउट प्लास्टिड भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर वैसे ये होना चाहिए, फिर भी अगर कन्फर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो इसका कन्फर्मेशन मैं आपको भेज दूँगी। द टर्म टैक्सोन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाई, जो टर्म टैक्सोन है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, तो ये यूज़ किया गया था मेयर एंड मेयर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसर्न विद द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म दिए हैं इनके नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखना है। ए हमारा दिया गया है किससे रिलेटेड, किससे है, ए विटेकर, बी स्ट्रिकलैंड, ओनली नोमेनक्लेचर किससे रिलेटेड है, ओनली ए एंड बी, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो नामकरण है जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है, विटेकर स्ट्रिकलैंड या विटेकर और स्ट्रिकलैंड में कौन है, केवल विटेकर हैं, केवल स्ट्रिकलैंड है, सी बोथ ए एंड बी है, और दिया है आपका डी दोनों। तो हमारा राइट आंसर हो गया इसमें सी। आप इसमें डाउट मत कीजिए, बायनोमियल जो दिया गया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया है वो तो हमारा किसके द्वारा दिया गया है, लीनियस के द्वारा, तो इसमें केवल नोमेनक्लेचर पूछा गया है, तो ये किससे रिलेटेड है, दोनों से, विटेकर एंड स्ट्रिकलैंड से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमारे जो लीनियस हैं उनको किसका क्रेडिट जाता है कि इन्होंने क्या किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है
वो है व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज़ नोन। व्हेन स्पीसीज, जब स्पीसीज क्या करती है, जैसे आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस है, तो कहीं पे होमोसेपियंस सेपियंस भी लगा दिया जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम इट इज़ नोन एज। जब स्पीसीज नेम जेनेरिक नेम, तो कभी कभी आपने सुना जैसे नाजा एक स्नैक है, पॉइजनस स्नैक है, तो उसका जो जीनस है वो भी नाजा है और जो उसका स्पीसीज है वो भी नाजा है। तो ये जो दोहराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका टोटोनियम। क्या कहते हैं उनका, इसका राइट आंसर है ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, टोटो नियम ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जो होमोसेपियंस सेपियंस वाला मैं कह रही हूँ, ये स्पीसीज के केस में हो सकता है, जब जब स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों सेम हो वो अलग चीज़ है, और ये पूछा गया है जीनस और जब स्पीसीज का नाम सेम हो, तो जैसे नाजा तो उसका ये है एग्जाम्पल है आपका टोटोनियम, उन्हें कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो हम उसे क्लियरिफाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो अगले टॉपिक को लेकर होंगी, हो सकता है कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो हम ऐसा करेंगे उसका टारगेट बना लेंगे 200 क्वेश्चन का या 150 क्वेश्चन का एक बार सॉल्व करने का, और उस फिर अगला जो क्लास लेंगे उसे अगले से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।